क्या आपका IRCTC ऐप ओपन नहीं हो रहा है? जैसा कि हम जानते ही हैं कि दो तीन दिन से IRCTC एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी IRCTC एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगी और आप पूरी तरह से टिकट को बुक कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर IRCTC एप्लीकेशन को एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, जो हमारी IRCTC एप्लीकेशन है वो ऑटो क्लोज हो जा रही है यहाँ पे। तो अब आपके पास एक रास्ता बचा है कि आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। तो यहाँ पर हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे irctc.co.in, उसके बाद में हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन हो चुकी है, अब यहाँ पर हमें लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होने के लिए हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, जो कि आपको ऊपर कॉर्नर में दिख जाएगा। तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा जो लॉगिन का पैनल है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूजर नाम और अपना पासवर्ड दे देना है, और उसके बाद में हमें कैप्चा को फिल करना है, उसके बाद में साइन अप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने अपना यूजर नाम टाइप कर दिया है, उसके बाद में हम अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा को टाइप करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपना टिकट्स को बुक कर सकते हैं। जब तक कि एप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक आप यहाँ से बहुत ही आसानी से टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रायल के लिए गोंडा टू मुंबई का हम टिकट को सर्च करते हैं। तो यहाँ से हम अपना डेट को चूज करेंगे और फिर ट्रेन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो ट्रेन की लिस्ट्स हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जिस भी ट्रेन में हमें टिकट को बुक करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और वह उस ट्रेन में हम टिकट को बुक कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।